है चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी हमारे स्कूल रेडनेस प्रोग्राम की जो समय सारणी निर्धारित की गई है उसके बारे में। अब इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एक हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इस टाइम जो स्कूलों में चल रहा है स्कूल रेडनेस प्रोग्राम, जो कि हमारा 12 सप्ताह का जो कैलेंडर बनना है और उसके लिए एक रजिस्टर तैयार करना है। उस रजिस्टर में सारी गतिविधियां पर डे के अकॉर्डिंग और हर सप्ताह की बराबर नोट करनी है और साथ में वो गतिविधियां कराते जाना है। तो आइए चलिए हम आज बात करते हैं उसी रजिस्टर की, और मैं आपको वो रजिस्टर दिखाने जा रही हूँ कि कैसे वो रजिस्टर मेंटेन करना है और उसमें क्या क्या आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट पेज है बाल वाटिका का। आप इसको अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से और अच्छी तरीके से इनोवेट कर सकते हो और अच्छी तरीके से सजा सकते हो और अच्छी तरीके से बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है ऐसे ही करना है, ये सिर्फ एक गाइडलाइन है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर रही हूँ कि किस तरीके से आपको काम करना है। आपके अंदर हुनर है, आप इससे अच्छा और बेहतरीन काम कर सकते हो। तो चलिए ये हमारा फर्स्ट पेज है। इसके बाद देखिए स्कूल रेडनेस कार्यक्रम 2022 से 23 तक का है ये। आप इसमें देखिए क्या क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ठीक है, इसमें विकासात्मक लक्ष्य वगैरह लिखना है और कब से स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें डालनी है। उसके बाद अब आता है समय सारणी। समय सारणी में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समय सारणी लिखाई थी और इसमें भी दिया हुआ है, आप इसके ये भी उसमें मेंशन करना है उस रजिस्टर में। उसके बाद ये देखिए चहक प्रोग्राम जो है, चहक आप जानते हो चहक प्रोग्राम के अंदर ही यही स्कूल रेडनेस चल रहा है। इसमें बाल वाटिका के लिए ही ये रजिस्टर तैयार करना है, बाल वाटिका में आने वाले बच्चों के लिए ही, और जिनके यहाँ पर मान लीजिए आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है वो एक वाले बच्चों को ही उस बाल वाटिका के थ्रू पढ़ाएंगे। आगे देखिए, ये देखिए ये चहक कार्यक्रम का प्रथम चरण देना है। चहक के अंतर्गत विभागों की बैठक और उद्देश्य, इसके बारे में भी लिखना है आपको। चहक कार्यक्रम के अंतर्गत विभागों के अभिमुखीकरण जो हम लोगों ने कराया था, फिर चहक कार्यक्रम के अंतर्गत कराई गई गतिविधियां आपको डालनी है। कहानी कविता गतिविधि से खेल खेल में सिखाना, इसका थोड़ा सा आपको डिटेल देना है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया है आपका 25, आपको पता है 25 तारीख से ही ये स्टार्ट कर देना था। 25 से 30 तक का ये हमारा पहला सप्ताह दिया हुआ है, प्रथम सप्ताह है, जिसमें देखिए पूरा डिटेल दिया हुआ है कौन कौन सी गतिविधि करनी है, क्या करनी है। आप इसको पॉज करके जूम आउट करके आराम से नोट करना चाहो आप इस टॉपिक को नोट कर सकते हो। इसके बाद देखिए ये देखिए सप्ताह दो का कार्यक्रम है जो पूरा दिया हुआ है, सप्ताह वाइज है ये पूरा डिटेल दिया है। ठीक, फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये गतिविधि जो कराई गई थी पीछे, उसका थोड़ा सा हमने क्रिएटिव करने के लिए ये चीज़ बनाया है। ये देखिए जो कि एक गतिविधि तिहारा समंदर गोपी चंदन हमने कराया होगा बच्चों को, उसी का ही है। ठीक है, ये देखिए फिर उसके बाद हमारा ये सप्ताह तीन का कार्यक्रम, दो तक पीछे हो चुका है, ये सप्ताह तीन का है, ये देखिए पूरा दिया हुआ है। आप पॉज करके इसको अच्छे से कर सकते हो। आप चाहो तो सप्ताह प्रथम में, जैसे कि हमने सप्ताह वाइज इस कॉपी में एक साथ दिया हुआ है, आप इसमें प्रत्येक दिवस का अलग अलग वैसे बनाना है, आप इसको प्रत्येक दिवस अलग अलग करोगे तो और सुंदर तरीके से तैयार होगा। जैसे देखिए सप्ताह प्रथम का ये प्रथम दिवस का है, जो भी दिया हुआ है डिटेल वो कराया गया है। ठीक है, तो आप इसको और अच्छी तरीके से, सप्ताह दो का देखिए दूसरे दिन का दिया है और ये तीसरे दिन का दिया, ये एक तरीके का सिर्फ हिंट है कि आपको किस तरीके से करना है। ठीक, आप चाहो एक पेज पे पूरा सप्ताह का दिया हुआ था पूरा सप्ताह वाइज, लेकिन यहाँ पर क्या है प्रथम सप्ताह के ही अलग अलग दिनों का दिया है। आप अगर प्रथम आप सप्ताह वाइज एक एक दिन का अलग अलग अगर देते हो, मेंशन करते हो, तो और अच्छा बहुत सुंदर आपका रजिस्टर तैयार होगा। मेरी राय पर्सनली यही रहेगी कि आप सप्ताह के जितने भी दिन हैं उन दिनों का, पर्टिकुलरली हर एक दिन का आप जो कराते जा रहे हो उसको आप राइट डाउन करते जाओ और उसका कुछ टीएलएम के तौर पर लगाते जाओ अपने रजिस्टर पे, तो और सुंदर लगे। जैसे कि ये देखिए ये टीएलएम के तौर पर ये बंदर का डायग्राम बनाया गया है ना, आप भी चाहो इस तरीके के और काफ़ी सारे टीएलएम इसमें मेंशन कर दोगे, लगा दोगे, तो वो रजिस्टर आपका और सुंदर लगने लगे। देखिए सप्ताह चार का है आपका पूरा डिटेल, सप्ताह पाँच का
आपका सप्ताह 5 आने वाला है, आपका मंडे स्टार्ट होगा, लेकिन आप अभी सप्ताह 6 आगे तक का कर दिया है, आप इसको जाओ पहले से ही राउंड डाउन कर लो तो और अच्छा है। आपकी कॉपी में रहेगा, आपको सिर्फ गतिविधियाँ करानी होंगी, आपको पहले से पता होगा कि क्या आपको नेक्स्ट डे कराना है, किस सप्ताह क्या कराना है, आप और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो और बहुत सुंदर तरीके से बना सकते हो सप्ताह 8। तो ये है, ये सप्ताह 8 तक का ही है और ये मैंने बहुत आगे तक का आपको दे दिया है लिखने के लिए, काफ़ी वर्क हो गया है, तो आप इसे मेंशन करिए। और मेरी पर्सनली राय फिर से मैं कहूँगी यही है कि सप्ताह का हर एक दिन का गतिविधि का अलग पेज तैयार करिए और उसमें टेलम लगा सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि वो रजिस्टर और सुंदर दिखाई दे, क्योंकि आप जानते हो कि इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जितनी चेकिंग हो रही है, जितनी भी पूछताछ हो रही है, जितना असेसमेंट हो रहा है, इसी पर ही हो रहा है, आपके बाल वाटिका पर, और जो भी देखेगा आपका ये रजिस्टर ज़रूर देखेगा। तो हो सके इस रजिस्टर बच्चों को पढ़ाने के साथ रजिस्टर को भी खूबसूरत बनाइए ताकि इम्प्रेशन और अच्छा पड़े आपका, आपके अधिकारियों के ऊपर। तो आई होप आपको ये जानकारी आपके काम में ज़रूर लाभदायक होगी, और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली आगे की चीज़ें आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए हम अपनी अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।